बगा ओ फाइनली। यार आज हम लोग का प्लान था बाहर निकलने का, एक्चुअली इतना बारिश हो रहा था तो हम लोग ने सोचे कि आज का लगता है प्लान कैंसिल हो जाए, बट ऊपर वाले ने ऐसा किया नहीं और अभी बारिश नहीं हो रही है। मैं अदर ब्लॉग, तो गाइस आज का प्लान बहुत ही खास है क्योंकि हमारी ग्रुप है जैसे हरदम रहती है, नावेद सागर एंड साकिब विशाल दीपक और एक बंदा और आने वाला है पवन। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं खारघर में जो कि एक बहुत अच्छा प्लेस है, तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। अभी ऑलरेडी हम लोग को लेट हो चुका है, 11 बज चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता ऑल लेट हो और ट्रैफिक भी बहुत रहती पता ही ना आप लोगों को। तो फिर मैं निकलता हूँ फटाफट और आगे आगे चलते चलते आपको सब चीज़ धीरे धीरे बताता हूँ कैसे कैसे जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर पहुंच चुके हैं और इधर पे हम लोग रुके। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त जो कि पीछे हो चुके हैं और इन लोग हैं थोड़ा हम लोग आगे हो गए थे तो इसलिए उन लोग का वेट कर रहे हैं, तो पवई में हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं इधर पे। हम लोग मुंबई के बाहर निकल चुके हैं और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और लोकेशन बताता आप लोगों को। अच्छा खासा ब्रेक लेता हूँ उधर पे, तो आगे चल के उधर पे बताता हूँ कि कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है यार। तो फिर चलते हम लोग। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं, 14 किलोमीटर बचा है इधर पे। अभी हम लोग पेट्रोल भराने के लिए रुके मेरे दोस्त को भरा। जा रहे पांडव कड़ा जो कि इधर से 14 किलोमीटर है ये। अभी हम लोग किधर पहुंचे हैं ऑलमोस्ट? रबाले पहुंचे, तो इधर से 14 किलोमीटर है और अभी हम लोग चलते हैं इधर से। और सीरियसली बहुत अच्छा वेदर और इतनी गर्मी नहीं लग रही है तो उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा। और हमारे साथ में एक नया मेंबर है जो कि पवन। पहुंच गए हैं बस इधर से। अभी हम लोग को ट्रैकिंग करके जाने का है क्योंकि सीरियसली बहुत अच्छा जगह है। पूरा फॉग की वजह से नहीं दिख रहा है, बस बहुत ज्यादा अच्छा जगह है क्योंकि इधर से रास्ता है जाने के लिए। तो और मेरे कुछ दोस्त लोग आगे जाके देखने गए हैं कि आगे से कोई रूट है कि नहीं, मतलब गाड़ी से जा सकते, नहीं तो फिर इधर ही हम लोग को गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, फिर हम लोग को इधर से चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए जाने का। और सीरियसली बोले तो दोस्तों के साथ में ट्रैकिंग करने में
बहुत ही मजा आता है क्योंकि फन और मस्ती मजाक करते हुए चलते। और इस बार हम लोग ने फुल खाना पीना बैग में लेके आए ताकि हम लोग ने इधर सोचे कि कुछ भी खाएंगे नहीं खरीद के। और चलिए फिर गाइस एंजॉय करते हैं प्लेस को। तो इधर के रोडे जो कि पूरा इधर पे इतना गीला है तो हम लोग कैसे कैसे करके जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा मिट्टी है इधर पे गीली गीली और थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इधर पे जाने में, बट यही सब तो मजा है यार। ये सब में गाड़ी चलाना और चलना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर पे गाइस गुरुद्वारा है जो कि ये सब देख सकते हो आप। गुरुद्वारा आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो चलो। जो पानी दिख रहा है पानी क्रॉस करने गया हम लोग को जो कि मेरे दोस्त लोग अपनी गाड़ी लेके खड़ी है और मेरा दोस्त एक विशाल जो कि इधर से निकल दिया लेके भी इन लोग बात दिखा नावेद हो जाएगा भगा 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 ओ फाइनली। और साकिब ये साकिब का भी हाँ आ रहा। फाइनली सबकी गाड़ी निकल चुकी है अभी अंदर देखते हैं और कितना टास्क है। ये तो बहुत खतरनाक टास्क था आगे देखते कितना है पड़ रहा है ये जगह पे आने के लिए। देखो धक्का मारना पड़ रहा है गाड़ियों को कैसा लग रहा है विशाल झटका और अभी दो और बाकी है पवन और साकिब की गाड़ी यार बहुत मेहनत पर और जाने का। और वो देख रहे हो ना झरना सुपर यार बहुत मस्त दिख रहा है। हम लोग के दोस्त लोग भी बहुत ज्यादा खुश है इधर आके और ये लोकेशन भी समर्थ ने बताया तो थैंक यू समर्थ इतना अच्छा दिखाने के लिए। और वो लेकिन आया नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए बट जगह बताता लेकिन आता नहीं है। हाँ जगह बताता लेकिन आता नहीं है बट नेक्स्ट टाइम उसको भी लेके आएंगे बंदा खुद आएगा। और देख रहे हो हमारे दोस्तों को ओपी प्लेस है ये सीरियसली मतलब चारों साइड देखोगे ना आप माउंटेन ही माउंटेन और नेक्स्ट लेवल वाला। और आज का वेदर इतना अच्छा है ना कि ऊपर वाले के ऊपर खुश हूँ यार कि धूप नहीं है। समर्थ कि सांप का बाइट गाइस ये थोड़ा लग गया मेहनत लग गया इस पे आने में क्योंकि ये माउंटेन है और ये पूरा जंगल है देख सकते हो साइड साइड में पूरा। फाइनली गाइस पहुंच गए देख सकते हो वाटरफॉल देख के कितना मस्त लग रहा है। और ये वाटरफॉल की जो हाइट है और जो गिर रहा है जिस हाइट से वो 108 मीटर की हाइट है उस पे से वो गिर रहा है वाटरफॉल। और नावेद का हालत देख सकते हो गाइस व्हाट्स अप
पूरा देख रहे हो नाटक कर रहा है, पूरा थक चुका है क्योंकि यार बहुत नीचे से हारना पड़ रहा है हम लोग को, सीरियसली पूरा बहुत ज्यादा थक गया। और लेकिन ओपी प्लेस है यार, कितनी जितनी बार भी बोलो कम है ये प्लेस का। और इस बार नावेद का थोड़ा शूट भी करने का इधर पे, जो कि नावेद ने अपना गिटार लेके आया है, और झरने को देख के तो यार बस जाते थोड़ा और नहाने का मन करेगा तो डेफिनेटली नहाएंगे। और शांत प्लेस है, बस दोस्तों की आवाज आ रही है। इधर पे नहाने वाले हैं, बट उससे पहले नावेद का एक वीडियो है जो इधर पे कवर सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाले, जो कि देख सकते हो। नावेद नावेद तो नावेद फुल रेडी हो चुका है तो इधर पे, और ये देख रहे हो वॉटरफॉल जो कि 108 मीटर का है और सीरियसली बहुत अच्छा है। और मेरे दोस्त लोग हैं जो कि कैमरा लेकर आए, तो कैमरे से सब उसको चिढ़ा रहे कैमरा में। और इधर पे कुछ बहुत से लोग मतलब ऐसे आए नॉर्मली नहाने के लिए जैसे हम लोग आए। धीरे धीरे और भी क्राउड हो गया है, जबकि इधर पे 3:30 बज गया और भी पब्लिक आ चुकी है इधर पे नहाने के लिए। इधर पे नावेद का देख सकते हो आप शूट हो रहा है इधर पे, क्योंकि नावेद गाना गा रहा है उसका कवर सॉन्ग के लिए। और हम लोग भी थोड़ा इधर पे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और नेचर का मज़ा ले रहे हैं, और हवा बहुत अच्छा आ रहा है यार इधर पे। और उधर एकदम सुनसान जगह बोलते हैं ना वैसा है, बस झरने की आवाज़ें, जंगलों में यही तो होती है। और सीरियसली ऑसम प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है ये। और चारों साइड देख सकते हो आप मेरे, पूरा ग्रीनरी है देख सकते हो आप पूरा। एंजॉयमेंट करने के बाद लग गई हम लोग को भूख, जो कि हम लोग ने टिफिन लेके आया देख सकते हो तो पूरा, सागर नावेद और भी सब दोस्त ने, मैं भी लेके आया हूँ और विशाल भी लेके आया, जो कि ना के आया तो मैं दिखा नहीं सकता, बट हम लोग को लगी है बहुत तेजों से भूख, क्योंकि सागर ने डोसा लेके आया और नावेद ने अंडा और भुर्जी एंड क्या होता है लेके आया, और मैं आलू की सब्जी और रोटी लेके आया, तो हम लोग खाने वाला बहुत ज्यादा भूख लगी। और विशाल क्या लेके आया वो देखने, सोयाबीन की सब्जी जो मेरी बहुत फेवरेट है, तो विशाल थैंक यू सो मच विशाल लेके आने के लिए। तो अभी हम लोग खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी, तो खाने बाद मिलते हैं। हम लोग गाइस खाना बिना खा के फुल एकदम पेट भर गया था और ऑलमोस्ट 5 बज गए, तो अभी हम लोग बाहर भी आ गए क्योंकि हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि पता ही आप लोगों को मुंबई की ट्रैफिक कैसी होती है, तो मैंने चाहता है हम लोग ट्रैफिक में फंसे अच्छा खासा। और सीरियसली बहुत अमेजिंग प्लेस था, बस ये है कि खाना बिना जो भी है इधर अपना खुद का लेके आना, ये नहीं कि इधर उधर स्टॉल सोचोगे है तो नहीं रहेगा वो सब। और पानी भी खुद घर से लेके आओ, क्योंकि यार इधर पे पानी भी नहीं है। और सीरियसली बहुत ओपी प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है, और पूरा माउंटेन है और एक ही झरना है, बट जो भी है वो बहुत अच्छा झरना है और हम लोग को सबको अच्छा लगा। नावेद भाई पूरा थक चुके हैं, जो कि पानी एक्चुअली हम लोगों ने खाना खाया ना, गलती क्या कि हम लोगों ने खाना खा के पानी नहीं पिए, क्योंकि अभी तक पानी नहीं पिया हूं मैं भी, अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो पानी पियेंगे, तो वही बॉडी में अभी तक पानी की जरूरत है, खाने की तो जरूरत हो गई है नावेद, तो देख रहे हो हालत बेचारे की।